नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी बिहार तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। जानेंगे दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों की डिटेल के बारे में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में। जानेंगे नई दिल्ली के कौन से स्टेशन से कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन जो है रवाना होती है और बापूधाम मोतिहारी में वो ट्रेन जो है कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंचती है और नई दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी की जो दूरी है कितनी देरी में कवर करती है, कौन कौन से दिन वो ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में कौन कौन से कोच हैं, कितना डिस्टेंस कवर करती है, एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं नई दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। एक एक करके बात कर लेंगे। इस रूट पे ग्रीवर ट्रेन भी चलती है, सुपरफास्ट ट्रेन भी चलती है, मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन भी चलती है और हमसफ़र ट्रेन भी चलती है। तो सभी ट्रेनों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो नई दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है शपथ क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12558। ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से रोजाना दोपहर के 2:35 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17:48 बाद बापूधाम मोतिहारी में अगले दिन सुबह 8:23 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन से 978 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 55 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद नई दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी तक चलने वाली जो अगली ट्रेन है इस रूट पर चलती है वो है आनंद विहार टर्मिनल रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वाया सगौली होकर चलती है। यह हर इतवार और शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनल से शाम के 4:30 पर एक दो नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और 27:01 बाद अगले दिन शाम के 7:31 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर बापूधाम मोतिहारी में पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 35 स्टेशन से 1180 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 44 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसका ट्रेन नंबर है 14016 और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि ओल्ड दिल्ली जंक्शन से हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम को 4:35 पर 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17:35 बाद बापूधाम मोतिहारी में अगले दिन सुबह 10:10 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन से 1076 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 61 किलोमीटर पर आवर है। हम सफ़र टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसका ट्रेन नंबर है 15706। थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सिटिंग के इसमें कोच हैं और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है जो कि डेली ट्रेन है, जिसका नाम है सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15274। आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से हर रोज़ ये ट्रेन जो है शाम के 5:30 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22:03 बाद सगौली में अगले दिन दोपहर के 3:33 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 43 स्टेशन से 925 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 42 किलोमीटर पर आवर है। सगौली स्टेशन जो है बापूधाम मोतिहारी से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप बापूधाम मोतिहारी जाना चाहते हैं तो इस स्टेशन को भी मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। चार इसमें जनरल डिब्बे हैं, एक फर्स्ट एसी, सेकंड एसी का कंबाइन कोच है, सेकंड एसी के दो कोच हैं, 6 कोच थर्ड एसी के हैं और स्लीपर क्लास के 7 कोच शामिल हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 19269। पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर शुक्रवार और शनिवार को ये ट्रेन जो है 8:35 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:42 बाद ये ट्रेन जो है
शाम के 4:17 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन से 985 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 50 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसके तकरीबन 13 स्टेशन से 985 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है उसका नाम है आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12212। आनंद विहार टर्मिनल से हर बुधवार को रात को 8:55 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:22 बाद अगले दिन शाम के 4:17 पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर बापूधाम मोतिहारी बिहार में पहुँच जाती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं और 978 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 50 किलोमीटर पर आवर है और गरीब रथ टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। थर्ड एसी के कोच हैं इसमें, सिर्फ थर्ड एसी इकोनॉमी के कोच हैं और तकरीबन 20 कोच इसमें शामिल हैं। ये वैसे ट्रेन जो है आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर तक चलती है, बट इस वीडियो में हम आनंद विहार टर्मिनल या दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है जो कि आनंद विहार टर्मिनल को बापूधाम मोतिहारी से कनेक्ट करती है, वो है आनंद विहार टर्मिनल सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि फुली अनरिजर्व ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर है 15530। आनंद विहार टर्मिनल से हर गुरुवार को रात को 11:45 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:50 बाद अगले दिन शाम के 7:34 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे बापूधाम मोतिहारी में पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन से 965 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 50 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सिर्फ जनरल डिब्बों के कोच हैं, तकरीबन 18 जनरल डिब्बों के कोच होते हैं। इसके बाद जो आखिरी ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि आनंद विहार टर्मिनल या दिल्ली को बापूधाम मोतिहारी से कनेक्ट करती है, वो है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 14010। आनंद विहार टर्मिनल से हर सोमवार, बुधवार, शनिवार को रात को 11:45 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20:15 बाद बापूधाम मोतिहारी में रात के 8:00 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और 965 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 48 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी, इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। एलएचबी कोचेस वाली ट्रेन है। दोस्तों इसी के साथ दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं किसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।